नागपुरातील ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध रमण विज्ञान केंद्र व तारामंडलला मेलद्वारे बॉम्बने उडवण्याची धमकी देण्यात आली होती. शिक्षण अधिकाऱ्याच्या तक्रारीवरून गणेशपेठ पोलिसांनी बॉम्ब डिस्पोजर पथकाने तपास केला असता खोटी धमकी दिल्याचं समोर आलं. ही धमकी कोणी व कोणत्या हेतूने दिली याचा शोध पोलीस घेत आहे. नागपुरातील ऐतिहासिक आणि प्रसिद्ध असलेल्या रमण विज्ञान केंद्र व तारामंडळाला नागपूरच नव्हे तर विदर्भातून लोक येऊन भेट देतात. स्कूल पिकनिक असो की विद्यार्थी येथे येऊन अवश्य भेट देतात. अशा या विख्यात आगाराम देवी चौकातील रमण सायन्सला 5 जानेवारीला मेलद्वारे धमकी देण्यात आली व एकच खळबळू आली. घटनेची माहिती गणेशपेठ पोलिसांना देण्यात आली. गणेशपेठ पोलिसांनी बारकाईने 4 तास तपास केला असता खोटी धमकी असल्याचं स्पष्ट झालं. पोलिसांनी तत्काळ सिक्युरिटी वाढवून नागरिकांनी घाबरू नये असे आवाहन केले. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून सायबर सेल माध्यमांनी धमकी कोणी आणि कोणत्या हेतूने दिली याचा शोध पोलीस घेत आहे. पोलीस ठाणे गणेशपेठ हद्दे की ज्युरिडिक्शन में आगराम चौक के पास रमन्स साइंस सेंटर है, तारामंडल भी है उधर. वहाँ पे कुछ लोगों का आना जाना रहता है, कुछ स्टूडेंट लोग भी आते हैं. बात हकीकत ऐसी है कि 5 जनवरी को पुलिवार जो एजुकेशन ऑफिसर है उनको ईमेल खोलने के बाद उनको पता चला कि ईमेल ऐसा थोड़ा उनको ध्यान में आ गया कि उसमें कुछ तो अलग से लिखा हुआ है. उसमें लिखा हुआ था कि एक्सप्लोजिव हमने रखे हैं साइंस रमन साइंस सेंटर के अंदर, और कल मॉर्निंग में उसमें कुछ ना कुछ आपको बात आएगी समझ में आए. एक्सप्लोजिव का यानी उड़ाने की धमकी दी थी ईमेल के जरिए. वो ईमेल रमन साइंस सेंटर को 5 तारीख को सुबह लगभग 4:30 बजे मिला था. उनके बाद उनसे हमसे मुलाकात हो गई. उन्होंने सब बात बता दी. हमने तत्काल इनकी खबर हमारे सुपरवाइजर ऑफिसर को दे दी. उनकी गाइडेंस में हमने पूरी छानबीन बारीकी तरीके से बीडीडीएस पथक हमारे बॉम्ब डिस्पोजल पथक है लगभग लगातार 4 घंटे से हमने उधर पूरा जायजा लिया, सुरक्षा का जायजा लिया, बॉम्ब चेकिंग किया. ऐसे 3 बार चेकिंग करने के बाद हमें पता चला कि ऐसा कुछ भी बॉम्ब हमें अंदर कोई एक्सप्लोजिव नहीं मिला.